यार बिल्ली दोस्तों ने आज रल के की सलाह सलाम लेकिन तुम देखते हो स्ट्रीट व्लॉग तो अब 2,000 रुपये असं इकट्ठा करके दोस्तों सारे ने अज पार्टी करने का प्रोग्राम किया। तो इस वास्ते असी लै लिया 7.5 किलो गोश्त बेहतरीन जहा। उस तो बाद सौगा जी शुरू। अज साडा प्रोग्राम से जी दमपुख बनाने का। उस तो पहले साडा अपना दमपुख निकलिया क्योंकि सानू कम अज़ कम 5-4 फुट जिहड़ा ना डूंगा टोया मारना सी। वो खटन वास्ते सारे ने रल मिल के जोर लाया तो असी अपना टोया खटिया। तो मौसम भी बड़ा बेहतरीन तो बदल भी आ गए सन। असी फिर अपनी मेहनत जारी रखते हैं। मिट्टी कढ़ते रहे वारों वारी सारे लगे रहे। मेरे यार बेली जोर लाते रहे मिट्टी चुक चुक के बाहर कढ़ते रहे क्योंकि अज बड़े पुरजोश से भी खाना कट्टा। फिर बह के झट की सलाह भी यदि कि मैच होनी चाहिए तो की करना चाहिए। थोड़ी देर सलाह करन तो बाद फिर असी दनान नूं वाड़िया विच ते लिया के दित्तियां नूं इट्टां ते ओह हो गया जी शुरू। थोड़ी जी मेहनत करन तो बाद साडा तंदूर जिहड़ा सी हो गया तैयार जिहदे विच असी अज दमपुख बनाउणा सी। पता नहीं दमपुख बनना सी जां पुखदम बनना सी क्योंकि पहली बार असी बना रहे सीगे। लकड़ियां लुकड़ियां इकट्ठियां करके ते जो कुछ लभा ओह लै के ते असी लाती अग बिस्मिल्ला पढ़ के। अग तो बड़ी बेहतरीन चली क्योंकि तंदूर भी गर्म करना सी। असी भी बड़े खुश हो गए इन्नी आसानी नाल इन्नी अग बल गई। भर भर बुरे दियां बुकां मारियां मुंडे ने उत्ते ते भांबड़ बल गया ते तंदूर हो गया जी गरम। इन्नी देर चाय तैयार हो गई ते दनान भाई सारी चाय लैके आ गए। तुहानू पता काम करदे होए बंदा थक जावे ते चाय बहुत जरूरी हुंदी। जिद्दे ही चाय दा कप फड़िया ते लई पहली उहदी सीप ओए होए होए नज़ारे आया गए ते थकावट हो गई है दूर। फिर असी हो गया पुरजोश भी उम्मीद बड़ी है कि असी अज दम खुद या दम पुख बना ही लाँगे। तंदूर वाल वेख के तो दिल खुश हो गया क्या कि इदा बलती पी सी जिदा अच का रिश्तेदार बलती है। खैर ये तो हो गया मजाक। बहरहाल तंदूर भांबड़ सही चल रहा है तो तंदूर सही गर्म हो रहा है। असी गोश्त भेज दिता घर कि इन्नी देर गोश्त नूं लग जाए मसाले अच्छी तरह मसाले से नहा नू लवे ताकि ये बन जाएगा टेस्टी। घरों फिर मसाले मसूले चंगी तरह लग के उन्हों आ गए ने। तो इधर दूसरी साइड पर दनान भाई बना रहे थे जी मिट्टी क्योंकि मिट्टी बहुत जरूरी सी तंदूर का मूँह बंद करन वास्ते ताकि उसकी हीट बाहर ना निकले। जो मैं इस साइड पर आया तो इतशाम भाई खपन दिया हो कह रहे अग नहीं बलती यार बलती बलती अग बंद हो गई है इहदा की करिए। मैं कह इहदा भी कोई हल कढ़दे आ भाई। असी दोनों लैके निकले मोटरसाइकिल ते जाके मंडी चो लियांदियां सुक्कियां सुक्कियां लकड़ां क्योंकि इन्हां तों बगैर तो दम खुद या खुद दम नहीं सी बनना साडे कोलों। असी खुद दम ब खुद होए सी लिया के लकड़ां सिटियां तंदूर च इन्नी देर ते शाम भी घरों चुक के बाई लै आया मंजी दी वह भी वेच ला दी। अग फिर सही करके बल गई तो कुछ देर किया खड़ो के उत्थे तबसरा अदनान भाई ने मारियां फूकां। इन्हां दियां फूकां नाल अग जिहड़ा ना होर तेज़ हो गई। साड़ा दिल किया इहदा दम खुद बना दिए चुक के सिटीए नूं वेच। बहरहाल दनान भाई बज गया तो ठंडी ठंडी हवा चल रही सी मौसम बड़ा बेहतरीन हो गया। तो यारां ने बह के मारियां जनाब गप्पां क्योंकि मौसम हैगा सीगा बड़ा बेहतरीन। यार दोस्त जिते बैठे होण फिर गल्लां ते खुल के हुंदियां। वॉइस मैं म्यूट ना करदा तुहानूं भी सुना दिंदा लेकिन तुहाडे सुनण वालियां नहीं हैगियां। इस तों बाद थोड़ी देर उत्थे बह के इंजॉय किया ते वेट किया कि इन्नी देर साडा तंदूर सही तरह गर्म हो जाए। तंदूर गर्म हुंदा और गोश्त नूं मैरीनेट करके रखिया है उहनूं मसाले च नल्हा रहा ते असी अपनियां मार रहे सी खूब फुल इंजॉय कर रहे सीगे। इन्नी देर शाम भी हो गई है शाम का सूरज ढल रहा सीगा ते इहदे नाल जनाब हर चरिंद परिंद वापस अपने घरां नूं आ रहे सी। बकरियां भी चार के घरां नूं आ रहियां सीगियां। खैर मैं बैठे बैठे सोचिया कि चलो तंदूर दे आसे पासे थोड़ी जी मिट्टी ला देवां ताकि इट्टां मजबूत हो जाए। मैं फिर थोड़ी जी मिट्टी बना के रखी सीगी ते ओह जिहड़ी ना तंदूर दे आसे पासे ला दित्ती। उस तों बाद साडा गोश्त आ गया। हुण इहनूं असीं तारां दे नाल जकड़ के बन्नणा सी क्योंकि इहनूं बन्न के ही तंदूर दे विच सिटणा सी कि इदां सिट दिंदे ते किते नस ना जावे। इस वास्ते मैं ते दनान भाई ने लईआं लोहे दीआं तारां ते उत्थे बह के गोश्त नूं सही करके बन्निया ताकि इह नस ना जावे सीधे ही साडे पेट च जावे। गोश्त नूं सही तरह बन्नण तों बाद असीं लै के पहुँच गए जी बाहर। एक साडे कोल सीगा पाइप। पहले आइडिया नहीं सीगा लेकिन मौके दे उत्ते ही पाइप दे नाल असी गोश्त दीआं तारां सारियां लटका दित्तियां। ते इत्थे जिहड़ा ना मेरा दोस्त मैनूं की कह रिहा तुसीं वी जरा सुणो। ये हमारा कट्टा है ये हमारा बच्चा है। गोश्त सारियां तारां सी ना चंगी तरह पाइप नाल बन लिया कि गोश्त निकल के नस ना जावे। हुण अगला मरहला जिहड़ा सीगा ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦਮ ਖੁਦ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦਮ ਜਾਂ ਦਮ ਪੁਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
आपने गोश्त वाला पाइप तंदूर दे विच लटका दिता। लटकाते सार ही सू सू की आवाज़ आई तो सोचा तंदूर थलों खाली है, इदा तो सड़ जाना। फिर एक परात मिली, वह विच सुटी, उद उत्ते सुटिया जी असी अपना रखिया जी गोश्त। हूँ तंदूर का मूँह बंद करके मैं क्या आसे पासे चंगी तरह मिट्टी ला दिए, क्योंकि इन्नी देर की जलाई हुई अग की हीट कित बाहर ही ना निकल जाए। चंगी तरह आसे पासे मिट्टी लाती, फिर इंतजार कर लग गया भी यदा की बनता। थोड़ी देर बह के उत्ते कीता तबसरा, लग गया 1.5 घंटा। हूँ सोचा भी इनू खोलीए तो देखिए विच की होया, या तो सड़ गया होना तो या कच्चा ही होना। बिस्मिल्ला पढ़ के दनान भाई ने मिट्टी लाई, तो फिर मैं जरा ढक्कन चुकया, तो चुक के तुम देखो फिर अगे की होया। साडी एक्सपेक्टेशन तो भी वध के जिन्हां ना गोश्त बिल्कुल गल चुकिया सीगा, क्योंकि हड्डियां नू छड़ चुकिया सीगा और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही सी। असी पहले सोचा कि आयल लाइए, लेकिन फिर फैसला तर्क कर दिता कि बिल्कुल तैयार, अगर इनू आयल लाया तो ये मजीद आयल कच्चा रह जाना तो मज़ा नहीं आना। तो फिर बस मजीद इंतजार साढ़े को नहीं सी हुंदा, असी उत्थे तंदूर च तोड़ तोड़ के खा के टेस्ट किया कि वाकई पक चुकिया सी, और असी हैरान है गए सी कि फस्ट एक्सपीरियंस के विच ही असी इन्ना जबरदस्त दम खुद बना लिया। उस तो बाद हुण इक्को ही बस इंतजार सी कि जिन्नी जल्दी होवे इत्थों पाइप नूं चुकीए और चुक के लै जाइए, जाके इहनूं बस खाना शुरू कर दईए। फिर की सी भाई, मैं एक साइड तो दनान ने पकड़े, एक साइड तो मैं, तो चुक के सीधा ही सी रूम च लै गए बगैर किसी के इंतजार तो खाना शुरू कर दिता। इन्ना कोई मज़ेदार बनया सी और खुशबू तो इन्नी प्यारी आ रही सी ना, जिहदी इंतहा कोई नहीं है। असी तो एहतशाम का भी इंतजार नहीं किया, तारा बनिया सी, नाल नाल खोलते रहे तो नाल नाल खाते रहे, तो सुभान अल्लाह, तो नाल नाल हैरान भी होंदे रहे कि असी की बना बैठे तो की बना बैठे। खैर एहतशाम भाई ने घर अपना जिहड़ा ना पुलाओ तैयार करवाया होया सी, बड़ा बेहतरीन पुलाओ सी। असी सोचा चलो नाल पुलाओ भी खाधा जाए तो होर भी मज़ा आएगा। पुलाओ का पतीला आ गया तो मैं बिस्मिल्ला पढ़ी तो पुलाओ पाया, तो पुलाओ भी बहुत ही क्वालिटी का बड़ा जबरदस्त तो टेस्टी बनाया आया सीगा। पुलाओ के नाल नाल जो असी उस गोश्त नूं खाधा, सुबहान अल्लाह माशाला, इतना जबरदस्त बनया सी कि असी सोच रहे सी कि यह असी बनाया, बार बार बस यही ख्याल आ रहा सी कि इन्ना अच्छा तो असी बना किदा रहा। बहरहाल बहुत ही जबरदस्त सी, बड़ा मज़ा आया। अगर थानू साड़ी वीडियो देख के मज़ा आया तो साडे तुसी चैनल भी सबसक्राइब कर लो, फेसबुक पेज में भी फॉलो कर लो, तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ थानू साडे चैनल पर देखने मिलदियाँ रहनगियाँ, सानू फॉलो कर लो। आखिर ते अदनान भाई बैठे सीगे रायते वाली, उन्होंने कोली भी नहीं छड़ी, उन्हें भी मूँह ला के पी गए ने कि हजम करेगा। जो थानू पसंद आई वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर करियो। आखिर दुआ के नाल अल्लाह हाफिज़।